सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। जीवन में सभी किसी न किसी पर भरोसा करके जीते हैं। हमेशा कोशिश यही करें कि जो लोग आप पर विश्वास करते हैं उनका विश्वास कभी न टूटे। कभी भी किसी पर आंख बंद करके भरोसा न करें, क्योंकि ये दुनिया इतनी भी अच्छी नहीं कि आपके भरोसे को कायम रख सके। अपनी ऊर्जा को चिंता करने में खत्म करने से बेहतर है इसका उपयोग समाधान ढूंढने में किया जाए। आज का पंचांग 5 अप्रैल 2023 दिन बुधवार, चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि, सुबह 9:19 तक रहेगी। इसके उपरांत पूर्णिमा तिथि प्रारंभ हो जाएगी। उत्तर फाल्गुनी नामक नक्षत्र सुबह 11:23 तक रहेगी। इसके उपरांत हस्त नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय दोपहर 12:22 से 1:55 तक रहेगा। आज का कोई अभिजीत मुहूर्त नहीं है। आज चंद्रमा कन्या राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य मीन राशि पर रहेंगे। तुला राशि 5 अप्रैल 2023 दिन बुधवार, आप फिलहाल अपने जीवन की केंद्रीय समस्या को सुलझाने के लिए हर संभव कोशिश कर रहे हैं। ऐसा भी संभव है कि आप इसे सुलझाने के लिए अपनी सामाजिक और वित्तीय जिम्मेदारियों से भी छुट्टी ले लें। हालांकि आपको यह भी समझना है कि आपके जल्दी मचने से इस समस्या का स्थायी समाधान नहीं निकलेगा। आपको धीरज से काम लेना होगा। अनुभव को अपना मार्गदर्शक बनने दें, क्योंकि कोई नई खरीद या अनुबंध आपको परेशान कर सकते हैं। करीबी साथी के साथ समय बिताना आपको प्रसन्न करेगा। एक बैठक आपके रैंक या प्रतिष्ठा को बढ़ा सकती है। कोई मौका आपका इंतजार कर रहा है और अब समय है सही निर्णय लेने का। आपके दिमाग में अपने अधीनस्थों को लेकर सवाल उठ सकते हैं। संबंधों को मजबूत बनाना आज के दिन का केंद्र बिंदु होगा। अपने विचारों से इकट्ठा करके कार्य करना आपकी समझदारी को प्रदर्शित करता है। शांतिपूर्ण समय व्यतीत करना भी अच्छा विचार है। चुप रहना एक साधना है, जबकि सोच समझ कर बोलना एक कला है। नए संपर्क बनेंगे किसी आदर्श व्यक्ति की प्रेरणा से सजगता और भरपूर ऊर्जा मिलेगी। आपसे बातचीत द्वारा कई परिस्थितियां सामान्य हो जाएगी। कोई रुका हुआ कार्य संपन्न होगा। संघर्ष के बाद सफलता मिल सकती है। जितनी बातें आप बोलते हैं उतनी बातों को वास्तविकता का रूप देने में समय लगेगा। इस कारण लोगों के मन में नकारात्मक छवि बन सकती है। अपनी कार्य क्षमता को ठीक से जानते हुए खुद से अपेक्षाएं रखें, वरना खुद की अपेक्षाओं का बोझ महसूस होगा, जो आपके लिए निराशा का कारण बन सकता है। अपने कार्य क्षेत्र से जुड़े लोगों से मिल रहे सुझाव के बारे में विचार करें। आपके द्वारा जीवन साथी के साथ किए गए पैसों के लेन देन में पारदर्शिता रखें। सुगम संबंधित तकलीफ भी हो सकती है। आज बुद्धि और चतुराई से सारे काम कर सकते हैं। विद्यार्थी वर्ग की गलत बातों से ध्यान हटाकर पढ़ाई के लिए जागरूक होंगे। आपकी भावुकता और उदारता आपकी सबसे बड़ी कमजोरी हो सकती है। इससे बाहर निकलें और नया निवेश करने से पहले उचित शोध करें। व्यवसायिक क्षेत्र में मेहनत करने की आवश्यकता रहेगी। जो काम पिछले कुछ समय से अटका हुआ है वह अपूरा हो रहा है। आपकी योग्यता और प्रतिभा लोगों के सामने आ सकती है। अपने प्रतिस्पर्धियों पर सफलता और विजय प्राप्त होगी। अपने क्रोध और आवेग पर नियंत्रण रखना आवश्यक है। जल्दबाजी और अति उत्साह में कई बार आपका काम बिगड़ भी सकता है। आप अपनी दिनचर्या और आदतों के प्रति विशेष रूप से सतर्क रहेंगे। संतान की पढ़ाई और करियर को लेकर आप कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। आप किसी साजिश का शिकार भी हो सकते हैं। बुरे लोगों की संगत से दूर रहें। किसी बड़े अधिकारी या राजनीति से जुड़े व्यक्ति से मुलाकात आपके काम में मददगार साबित होगी। कामकाज में आलस का असर पारिवारिक जीवन पर पड़ सकता है। सावधानियां, अपने ऊपर अतिरिक्त कार्यभार या जिम्मेदारियां ना लें, क्योंकि सभी कार्यों के बीच संतुलन बनाकर रखने में दिक्कतें आएगी और किसी भी काम को जल्दबाजी की वजह से बिगाड़ सकती हैं। इस समय धैर्य और विवेक से काम लेना जरूरी है। बात करते हैं लव लाइफ की।
किसी पारिवारिक सदस्य के विवाह संबंधित प्रस्ताव आएगा, घर में मस्ती भरा माहौल भी रहेगा। अब यह जरूरी है कि आप अपनी आवश्यकताओं और इच्छाओं को स्पष्ट तरीके से अपने साथी को बताएं। आपका संचार काफी अस्पष्ट रहा है, जिसने प्रेम और रिश्तों में भ्रम की स्थिति पैदा की है। आज के दिन सभी गलतफहमी को दूर करने और अपने रिश्ते के जीवन की शक्ति को नवीनीकृत करने के लिए एकदम सही है। अपने साथी से कुछ सीख सकते हैं जो कि पूरी तरह से अनपेक्षित और आपको आश्चर्यचकित करने वाला होगा। इस समय आप अपनी सूरत, व्यक्तित्व या रूप में बदलाव करना चाहते हैं और नई केस सज्जा के बारे में सोच रहे हैं। इससे आप किसी विशेष को लुभाना चाहते हैं जो आपके दिल के बेहद करीब है। बिंदास अपने प्यार का इजहार करें, क्योंकि यह समय खुशी और उत्सव का है। अपने जीवन साथी के साथ कुछ सुखदायक और रचनात्मक क्षणों को बिताएं। अपने बारे में सब कुछ बताने का इससे अच्छा समय आपको नहीं मिलेगा। मोहब्बत से भरे इस दिन और रात को व्यर्थ न जाने दें, इनका उचित प्रयोग करें। अपने साथी को लुभाने का इससे अच्छा समय नहीं मिलेगा। बात करते हैं करियर की। सफलता प्राप्त करने के लिए अपनी शक्ति और कमजोरी का सही दिशा में प्रयोग करें। अपने व्यापार में बिक्री बढ़ाने के लिए उत्पाद नीतियां और योजनाएं बनाएं। नए व्यवसायिक या निजी कार्य की शुरुआत भी आज की जा सकती है। अहंकार से बचे, क्योंकि इससे आप जीवन में अकेले रह जाएंगे। आज आप अपनी पहचान के बारे में सोच रहे हैं। प्रकृति के साथ अपने कनेक्शन को बढ़ाएं और इस समय खुद को बेहतर बनाने की ओर ध्यान को केंद्रित करें। उन लोगों के लिए यह सही समय है जो शांति चाहते हैं। सुख दुख जीवन का हिस्सा है, ऐसे में अपनी भावनाओं पर पूरी तरह से नियंत्रण रखें। जो लोग विलासशीलता के समान के व्यवसायों में शामिल हैं, वे लोग आज बहुत लाभ में रहेंगे। और साथ ही साथ जो लोग स्वरोजगार में हैं, वे भी अपने दरों में बढ़ोतरी कर सकते हैं और साथ ही साथ मनवांछित राशि की प्राप्ति भी कर सकते हैं। उन लोगों पर ध्यान ना दें जो लोग आपकी सराहना करने में विफल रहते हैं। बस अपनी विशेषज्ञ कौशल से लाभ प्राप्त करने की इच्छा रखने वालों के महत्व को आप स्वीकार करें। कार्यस्थल पर अपनी उपस्थिति रखें, अपनी देखरेख में ही काम करें। कोई नजदीकी इंसान ही आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। जमीन जायदाद संबंधित बिजनेस फायदे में रहेंगे। नौकरी पेशा लोगों को समय देना भी पड़ सकता है। बात करते हैं सेहत की। आपको अपनी आँखों का विशेष ध्यान रखना होगा, विशेषकर जब आपके काम में आँखों का विशेष काम है। दिन को ज्यादा पढ़ने, फोटोग्राफ लेने होते हैं या पूरा दिन कंप्यूटर पर काम करना होता है, उन्हें अपनी आँखें जांच करवाकर आँखों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। किताबों और कंप्यूटर स्क्रीन से अपनी थकी आँखों को आराम देकर प्राकृतिक दृश्यों को निहारना भी अच्छा विकल्प है। आज का उपाय, आज अब गरीबों को हरी मूंग का दान करें, शुभ रहेगा। दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।